अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू सदर ब्लॉग्स एंड किचन। आज मेरे किचन में जबरदस्त कोफ्ते आलू का सालन बन रहा है। लगे हाथ मैंने कहा रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, बिस्मिल्लाह करते हैं। चले जी, सबसे पहले जी तीन आपने प्याज लेनी है, तीन ही टमाटर लेने हैं और एक पूरा, मेरे टोटे टोटे हो गए थे लहसुन के, तो एक पूरा लहसुन का जो जवा है वो आप ले लें। आपने करना कुछ नहीं, सबसे पहले हम ग्रेवी से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। तो आपने तीनों चीज़ों को जी छील के, काट के, टुकड़े बड़े बड़े करके, तो ग्राइंडर में डाल के इसका एक रफ सा, मतलब कह सकते हैं बल्कि स्मूथ कहेंगे, नॉट के रफ नहीं कहेंगे, स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए आधा कप तेल डाला है, तेल थोड़ा सा जो है वो चीखे लेने लगा है क्योंकि वो गर्म हो गया। तो दो अदद इलायची डाली है हमने और इसी तरह जी तीन चार लौंगे डालेंगे, तेज पत्ता जो है वो दो अदद डाल दें आप, और साथ में जो है वो दालचीनी के दो स्टिक्स डाल दें और ढक दें फौरन के फौरन, ताकि जो है इसकी खुशबू जो है वो भाग ना जाए। जी अभी देखिए आप जरा ढक्कन उठा के देखा तो ब्राउन हो चुका था, जल्दी से आपने वो पेस्ट डाला और ढक दिया। अब क्या है, ये खुशबू जो है वो पेस्ट में अच्छे से रहेगी। और तो साथ ही साथ जो है आपने इसमें एक चम्मच नमक डाल देना है, दो चम्मच लाल सुर्ख मिर्च जबरदस्त, और जनाब आधा चम्मच जो है वो हल्दी डालेंगे और बस इसको भूनना है, अच्छे से भूनना है, भूनते जाएंगे ताकि वो चकच्चापन है वो ना रहे। साथ में आपको तीन टेढ़े बकले जो है वो आलू नजर आ रहे हैं, तो उसकी अपीयरेंस पे मत जाए। हम इसको काट छील के तो बड़ा साफ सुथरा गोरा गोरा कर दिए, स्क्वायर शेप में या जो भी रफ सा शेप जो भी आपको चाहिए उस शेप में कट कर लेते हैं। और साथ के साथ जो है ये जो ग्रेवी है उसको अच्छे से भूने, यहाँ तक के तेल जो है वो उछल के बाहर आना शुरू हो जाए। और इस टाइम पे, जी हाँ इसी टाइम पे आपको इसके अंदर आलू के वो टोटे डाल देने, क्योंकि हमारे हाँ जो है अक्सर गोश्त के साथ आलू, कोफ्ते के साथ आलू, आलू के साथ कोई जज्बाती लगाव है इस सब कॉन्टिनेंट में। याद रखिएगा कभी भी सालन में ठंडा पानी ऐड करने से अवॉइड करें, खासतौर पे आलू वगैरह हो। तो मैंने जो है इसके शोरबा बनाने के लिए थोड़ा सा एक डेढ़ कप पानी को पहले बॉईल किया था जो आपने भी देखा, और उसके बाद उसको ऐड किया है। तो ये वरना पता है ठंडा और गर्म मिक्स होके ना वो आलू जो है वो सही से गलते नहीं। तो इसका शोरबा तैयार हो चुका है, ग्रेवी हमारी ढक गई है, आलू गलने के लिए साइड पर छोड़ दिए। साथ में आपको ये हरा धनिया, अब हम तैयारी करें कोफ्तों की। चार अदर आपके पास जो है वो प्याज है, आधा किलो हमने बीफ लिया। अच्छा, आपने चने की दाल जो है वो आधी कप यूज करनी है, तीन हरी मिर्ची है, तीन साबुत सुर्ख मिर्ची और एक अदद अंडा। आप हैरान होंगे अंडा किस लिए, अभी बताते हैं। एक चम्मच नमक होगी, ये हसबे जायका ले लें। अच्छा, ये गरम मसाले का पाउडर है वो भी ये बताऊंगी मैं आपको, जीरा काली मिर्च का पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है। चने की दाल जो है वो एक कप आपको दिखाई है, एक्चुअली वो जो है वो मैं दो काम एक साथ करने की आदी हूँ, जी हाँ मैं मल्टी टास्कर हूँ। तो वो चने की दाल का सालन भी मैंने दूसरी साइड पे चढ़ाया था, तो इसलिए एक साथ ही मैंने एक कप जो है चने की दाल बना ली। अच्छा, चने की दाल को इसका देखिए मैं छेछड़ा है या हल्की सी भी चर्बी अलग कर रही हूँ। चने की दाल को लाजमी दो घंटा पहले भिगोइएगा फिर उबालने के लिए चढ़ाइएगा, ठीक है जी। ये देखिए मेरी दाल उबल गई है। चार प्याज ली थी, दो को सुनहरी वाला करेंगे और दो को जो है वो ऑमलेट वाली जो है वो चॉप करनी है। अच्छा, ये दो अदर प्याज इसको स्लाइस किया था, उसमें एक चम्मच नमक डाल के और चार अदर साबुत सुर्ख मिर्च डाल के उसको हम फ्राई करें। इधर हमारी चने की दाल जो है वो गल गई है। अच्छा, हमने पहले कीमा पीसा है, आप उसी ग्राइंडर में जल्दी जल्दी जो है हमने चने की दाल पीस ली है। याद रखिएगा आधी चने की दाल जो है वो मैंने किसी और पर्पस के लिए बनाई थी। तो अब ये देखिए ये हम इसका हाफ यूज करेंगे, इसका मतलब है कि आपको आधा किलो बीफ लेना है तो आधा कप आपने चने की दाल लेनी है, चार अदद आपने प्याज लेनी है जिसमें से दो अदद हम सुनहरी करेंगे और ये दो अदद को जो है हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो कुछ इस तरह का चलेगा सिलसिला। हमने कीमा जो है वो मिक्स किया, आधी चने की दाल यानी आधा कप चने की दाल जो बॉईल करके पीस ली थी वो गई है, दो अदद चॉप्ड प्याज बहुत बारीक चॉप प्याज है वो जाएगी और ये सुनहरी प्याज डायरेक्ट नहीं जाएगी। इसको जो है वो पहले मैंने सही से इसकी कुटास लगानी, जी भर के बच्चों पे जितना गुस्सा आ रहा है वो उस प्याज पे निकाल ले, दम लगा के इसको बारीक बारीक कुचल ले अच्छे से। ये जो देसी तरीका है बिल्कुल इस तरीके से कुचलेंगे तो जो इसका जायका है वो बहुत इन्हेंस होके निकलेगा। ये देखिए क्या कहते हैं वो नज़र आ रही हैं मिर्चों के दाने। तो कोफ्ता बनाना थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि कोफ्ता मैं एक दिन पहले बना के या तो फ्रीज कर देती हूँ बॉल्स, ओनली बॉल्स, और जो ग्रेवी जिस दिन हमने बनाना होता है सालन एक्चुअली में, उस दिन मैं ग्रेवी तैयार करके तो वो बॉल्स डाल देती हूँ। अच्छा, ये देखिए जीरा काली मिर्च का पाउडर मैंने एक चम्मच डाला है
और साथ में जो है एक चम्मच नमक और ये गरम मसाला पाउडर एक चम्मच जा रहा है, और ये एक चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च जा रही है, और ये नमक और ये हरा धनिया दे मारा है मैंने। साथ में जनाब हरी मिर्चें रह गई हैं हमारी, तो हरी मिर्चें भी ऐसे नहीं जाएंगी, मिर्चें तो आपको पीस के डालनी है, चाहे साबुत सुर्ख मिर्च हो या 3 अदद हरी मिर्चें, वो भी मैंने पीस के यानी के कुटास लगा के डाली। 1 चम्मच जो है तबर्रक का दही डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा जायका आता है, टोटका है जनाब, टोटका जुबैदा आपा का। अच्छा जी, ये एक अंडा है, अंडा हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे, बाइंडिंग के लिए अंडा जाता है ये आपको भी पता है, तो हमने एहतियातन मतलब चेक करके कितनी रिक्वायरमेंट है, तो तकरीबन हाफ के करीब अंडा जाया गया है। अगर अंडे छोटे हों तो पूरा भी डाल दें। अब अच्छे से इसको मिक्सी कर लें, इवनली मिक्स कीजिएगा, वरना पता लगा कि भाई जो है वो भाई जान के पास जो कोफ्ता आया उसमें खाली दाल थी और एक तरफ सारे कीमे, अगर बीच में मुझे कोई रेशे दिखाई दे रहे तो एक्चुअली वो मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ, लेकिन इसको मैंने दोबारा फिर निकाल दिया। इवनली मिक्स कर लिया है और अब गोले बनाने की बारी है, तो मैंने एक साथ 24-25 के करीब तेरे बल्कि 12 या 14 बने थे मेरे, तो मैंने जो है एक दिन पहले जो है ये बॉल्स बनाई थी मीट बॉल्स, इसको मैंने फ्रीज कर दिया था, और जिस दिन एक्चुअली मुझे सालन बनाना था तो उस दिन उसमें से जितने की रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने बनाया था, तो ये मैंने काउंट नहीं किया था, मैंने ऐसी तुक्का मारा। अच्छा जी, ये अब हमारा सालन जो है ये तैयार हो चुका है, आलू हमारा तकरीबन गल चुका है, यानी 80% गल चुका है। अब ये कोफ्ते जो है ये देखिए, ये फ्रीज वाली शक्ल है, फ्रीज वाली शक्ल पे जो ना कोफ्ते के ऊपर पाउडर लग गया एक्चुअली वो फ्रीज होने की वजह से। तो एक्चुअली कभी कभी ये होता है कि आप अगर वर्किंग वूमेन है और आपके पास टाइम नहीं है, या कल आपके घर में दावत है, तो एकदम से इतना बड़ा प्रोसीजर यानी कोफ्ते भी बनाओ तो सालन भी बनाओ, तो फिर इसका मतलब बाकी काम कोई ना करो, एक ही सालन घर में बनेगा या कोई और काम ना हो सके, तो कोफ्ते और जो ग्रेवी है दो हिस्सों में हम लोग कर लेते हैं। मैं 2 चम्मच या 1 चम्मच गरम मसाला अपनी चॉइस के हिसाब से मैं 1.5 चम्मच के करीब डालती हूँ गरम मसाला पाउडर, और ढक देना है फौरन। कोफ्तों में कभी भी चम्मच ना चलाइएगा, कोफ्तों में चम्मच चलाएं तो वो टूट जाते, तो जब ये तैयार हो जाते तो हम हाथ से ना अच्छे से हिला लेते हैं, निकालते वक्त भी इतना एहतियात बढ़ता जा रहा है कि कोफ्ते कहीं डैमेज ना हो जाए। तो ये देखिए क्या जबरदस्त कोफ्ते मेरे बन के तैयार हुए, और रेसिपी भी बहुत सिंपल से है, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, गरम गरम नान के साथ खाएं इसको, या अगर आप पुलाव बनाते हैं तो उसके साथ खाएं। आलू के जो लोग शौकीन है वो ज़रा ज़्यादा डाल लेते, कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से, तो उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। टेक